लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नालंदा जहरीली शराब कांड पर एक्शन में सरकार, बड़े अधिकारियों के साथ नालंदा पहुंचे के पाठक। नालंदा कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला। शराब मामले पर बीजेपी जेडीयू की तलखी और बढ़ी। अब 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने जारी किया शेड्यूल। बिहार में शिक्षक नियोजन की काउंसिलिंग शुरू। पटना में शराब पार्टी करते धराए। जहानाबाद में जेवर दुकान में लाखों की चोरी। और बिहार में कनकनी से घरों में दुबके लोग। अब खबरें विस्तार से। नालंदा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब 13 तक पहुंच गई है। इसे लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इधर सियासी घमासान के बीच सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है। इसकी जांच के लिए डीजीपी ने जांच टीम गठित कर दी है। जांच टीम में मद निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, मद निषेध विभाग के आईजी, गृह विभाग के सचिव, एडीजी लॉ ऑर्डर और पटना प्रक्षेत्र के आईजी शामिल है। टीम गठित होते ही जांच टीम के अधिकारियों के साथ के पाठक नालंदा पहुंच गए हैं। उधर पुलिस भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। थानेदार को कल ही सस्पेंड कर दिया गया था। नालंदा शराब कांड को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तलखी बढ़ती ही जा रही है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कल सोशल मीडिया के जरिए जेडीयू पर ताबड़तोड़ कई सवाल दाग दिए। इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने करारा जवाब दिया था, लेकिन संजय जायसवाल भी मानने वाले नहीं थे। आज उन्होंने एक बार फिर जेडीयू पर हमला किया है। उन्होंने जेडीयू नेताओं को मर्यादा में रहने की चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि जेडीयू का यही रवैया रहा तो बीजेपी की तरफ से भी का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय जायसवाल के हमले पर अब जेडीयू का क्या रोल रहता है। नालंदा कांड को लेकर सीएम नीतीश पर चौतरफा हमला जारी है। लोजपा रामविलास पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वे आज मृतकों के परिजनों से मिलने नालंदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर वे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से भी मिलेंगे। वहीं आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साहब ने शराबबंदी वाली ढोंग की आड़ में खून पीने का धंधा शुरू किया है। दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अब सांप नेवले की लड़ाई में कुछ बचा ही नहीं है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को जलील करने में लगे हुए हैं। यदि नीतीश कुमार के अंदर मान सम्मान बचा है तो अंतरात्मा की आवाज सुने और कुर्सी छोड़े। राजद सभी बातों को भूलकर सहारा देने को तैयार है। बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तीसरे राउंड की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई। 1368 नियोजन इकाइयों में 12495 पदों के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। शेड्यूल के अनुसार 19 जनवरी तक नगर निकायों के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी, जबकि प्रखंडों में काउंसलिंग 22 जनवरी से शुरू होगी। प्रखंडों में काउंसलिंग 25 जनवरी तक चलेगी। वहीं पंचायतों में शिक्षकों की काउंसलिंग 28 जनवरी तक होगी। आपको बता दें कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने की तिथि सरकार ने तय कर रखी है। नालंदा शराब कांड के विरोध में जाप पार्टी पूरे प्रदेश में धरना देगी। आज इसकी घोषणा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना में की। उन्होंने कहा कि घटना के खिलाफ हमारी पार्टी शराब माफिया और दुष्कर्मियों के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर 24 जनवरी को पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में धरना देगी। उन्होंने कहा कि 6 सालों में शराबबंदी कानून गरीब और कमजोर लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब माफिया को जब तक पक्ष और विपक्ष का संरक्षण मिलेगा तब तक कैसे यहां शराबबंदी लागू होगी। देश में 12 से 15 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। इसकी घोषणा आज कर दी गई है। इन बच्चों को मार्च से वैक्सीन दी जाएगी। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI के प्रमुख एनके अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब सरकार ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के वैक्सीन का निर्णय लिया है। इससे पहले 15 से 18 साल तक के किशोर किशोरियों को इसी माह की 3 तारीख से कोरोना का टीका दिया जा रहा है। बिहार में कोरोना की रफ्तार में अब कमी आ गई है। कल से नए संक्रमितों के आंकड़े में गिरावट आने लगी है। आज तो 4000 से भी कम नए संक्रमित मिले, लेकिन पटना में जिस तरह एक युवक की जांच रिपोर्ट आई है उससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। एक ही व्यक्ति की एक ही दिन में दो जगहों पर कराई गई जाँच में अंतर आ गया। दरअसल पटना के मैनपुरा निवासी विशाल यादव की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो उसे कोरोना होने का संदेह हुआ। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के 2 जाँच केंद्रों पर अपना टेस्ट कराया। दोनों की ही रिपोर्ट आ जाए, लेकिन एक में वह पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव है। अब उनके सामने यक्ष प्रश्न आ गया है कि वह किस रिपोर्ट को सही माने और किसे गलत। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में ज्वेलरी चोरी की बड़ी घटना हुई है। चोरों ने थाने के निकट ही इस घटना को अंजाम दे दिया है।
काको बाजार थाने से महज 20 गज की दूरी पर अवस्थित ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी से व्यवसायी वर्ग सहमे हुए हैं। बताया जाता है कि चोरों ने लगभग 2 लाख कैश समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ज्वेलर मालिक संजय कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी पाकर जब वे मौके पर पहुंचे तो दुकान और तिजोरी के ताले टूटे हुए थे। गहने के डिब्बे समेत अन्य सामान बिखरे पड़े थे। चार 2 लाख कैश समेत कई बेशकीमती गहने ले भागे। पटना पुलिस ने शराब पार्टी करते हुए 5 युवकों को आज गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 6 बोतल शराब की बरामद की है। 5 युवक नशे में धुत थे। पुलिस को सूचना मिली कि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ले में कुछ युवक शराब की पार्टी कर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 युवकों को धर दबोचा। 5 के मेडिकल टेस्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई है। सभी को जेल भेज दिया गया है। युवकों के पास से 6 बोतल शराब बरामद हुई है। सर्द पछुआ हवा के चलने से पटना समेत पूरे बिहार में कनकनी बढ़ गई है। पटना समेत कई जिलों में न्यूनतम पारा 6 से 7 डिग्री के आसपास चला गया है, जबकि मैक्सिमम जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे है। हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में भी पछुआ उत्तरी हवा चल रही है, इससे कनकनी बढ़ गई है। आज दिन भर सर्द हवा ने लोगों को घरों में दुबकने को विवश कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जिलों में रात और दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट होने के आसार हैं, जबकि कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने के भी अनुमान है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।